हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे विंडोज़ 7 की एक लाइट एडिशन की कि किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं और कितना सेटअप स्पेस होता है उसका, कितना पेन ड्राइव में स्पेस यूज़ होता है, इसको हम सारा देखते हैं। तो मैंने पेन ड्राइव बना ली है, मैं इसकी बूट सीक्वेंस चेंज कर दी है मैंने, ये देखिए, और इसको सेव एंड एग्जिट कर जाते हैं और ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी अभी इसकी। देखते हैं कितना स्पेस ये लेता है। ये देखिए दोस्तों, इसका बिल्कुल लाइट वेट इंटरफेस बनाया हुआ है लाइट उसके लिए, इंस्टॉलेशन इजी करने के लिए इंस्टॉल कर देते हैं। लाइसेंस एग्रीमेंट करके नेक्स्ट कर देते हैं, कस्टम कर देते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था तो मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर देते हैं, बस इनको, इस ड्राइव को मैंने फॉर्मेट कर दिया और इसको भी मैंने फॉर्मेट कर दिया। ये इसका सिस्टम रिजल्ट वाला हो जाएगा और ये इस पर इंस्टॉल हो जाएगी। हम इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। ये देखिए इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। और दोस्तों, इसमें देखते हैं, मैंने टाइम भी नोट कर लिया है, कितना टाइम लगता है मैं आपको बताता हूँ इसको इंस्टॉलेशन में। और इसके फीचर्स मैं तब तक आपको कुछ बता देता हूँ। दोस्तों, ये वैसे तो मेरे को 32 बिट और 64 बिट की आईएसओ मिली थी, लेकिन मैंने देखा है कि ये 64 बिट वाली जो है वो बूट नहीं कर रही थी पेन ड्राइव। तो 32 बिट मैंने इंस्टॉलेशन किया है, 64 बिट भी अवेलेबल है, पर वो चेक करनी पड़ेगी कि होती है नहीं होती है इंस्टॉल, और अदर पेन वो जो होते हैं इसके आईएसओ। और इसके अलावा इसमें एरो थीम्स जो होता है ये किया गया है, लाइट वेट एडिशन इसके लिए बनाया गया है स्पेशली। और सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, एक बार रीस्टार्ट होने देते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको, 2-3 मिनट मुश्किल से लगे इंस्टॉलेशन होने में। इसमें यूज़र आईडी के लिए क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं, यूज़र आईडी मैंने एंटर कर दिया, नेक्स्ट कर देते हैं। पासवर्ड अभी नहीं डालते हैं इसमें, अपडेट वगैरह भी नहीं करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप कि रिकॉर्ड टाइम में इंस्टॉलेशन हो गई है इसकी, मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगे हैं। और मैं इसको एक बार जल्दी से इसको वो कर देता हूँ, इसके चेंजेस, और फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं और क्या क्या इसमें है, कौन कौन से फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी इसके। तो सबसे पहले इसको हम पर्सनलाइजेशन में जाके इसको डेस्कटॉप आइकन्स इनेबल कर देते हैं। तो इसमें देखो दोस्तों, ये पेन ड्राइव जो है इसकी आईएसओ वाली 330 एमबी में पेन ड्राइव बन गई है, 2 मिनट पेन ड्राइव बनने में लगते हैं इसके मुश्किल से। और ये देखिए, इसकी जो इंस्टॉलेशन हुई है वो 753 एमबी में, मात्र 753 एमबी, 1 GB भी नहीं लगा पूरा उसमें इंस्टॉलेशन हो गई है। और इसको आप, इस विंडोज़ को आप 800 MHz वाले सिस्टम पे, यानी P3 पर भी आप 2 GB रैम के साथ यूज़ कर सकते हैं, इतना लाइट एडिशन है ये। और ग्राफिक्स आपने देखे हैं, बढ़िया हैं बल्कि। और इसमें इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी सिक्योरिटी भी एनहेंस करके इसको लॉक किया है। और इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको विंडोज़ अपडेट नहीं मिलेगा, विंडोज़ अपडेट डिसेबल किया हुआ है।
और कंट्रोल पैनल में देखिए आपके कितने कम आइकन्स हैं इसमें, गिने चुने 15-20 आइकन है सारे। तो इतने कम आइकन्स के साथ इन्होंने मतलब बिल्कुल लाइट वेट एक एडिशन आपको लॉक करके दे दिया इन्होंने विंडोज़। तो मुझे लगता है कि ये अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मेरे पास एक पेंटियम 4 या पेंटियम 5 एक प्रोसेसर है, उस पर यूज़ कर सकते हैं कि उस पर आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। 2 GB रैम इसकी मिनिमम है, 800 मेगाहर्ट्ज़ सिस्टम पे आप यूज़ कर सकते हैं, 1024x768 इसका रेजोल्यूशन रहेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, शेयर फाइल्स कर सकते हैं इसमें। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, ये आप देख सकते हैं इसमें, इसमें आपको यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं मिलेगा। स्टार्टअप में भी कुछ नहीं है, मेंटेनेंस गेम्स वगैरह में भी कुछ नहीं है। एसेसरीज़ में भी देखो आप गिने चुने आइटम्स हैं केवल। और कंट्रोल पैनल पे आप जाएंगे तो ये देखो आपको कितना वो है, और इसमें आप इसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। बाकी दोस्तों इसके अलावा आप इस सिस्टम को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, 32-bit सिस्टम पे भी यूज़ कर सकते हैं। 64-bit की भी ISO है, उसका मैं कह नहीं सकता, श्योर नहीं हूँ कि वो वर्क करेगी नहीं करेगी, कि लेकिन मेरे सिस्टम पे तो नहीं चली वो। और ये भी हो सकता है कि मेरा सिस्टम 64-bit ही है वैसे, तो 32-bit तो कोई भी नहीं है। तो आप इन पे 800 MHz वाले सिस्टम P5 पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, और डेफिनेटली यूज़ करें सिस्टम को। सिक्योरिटी भी इम्प्रूवड है इसकी, इसमें मैंने क्रोम इंस्टॉल करके देखा था थोड़ी देर पहले, मैंने पहले इंस्टॉल किया था, इसको चेक किया था, क्रोम इंस्टॉल हो जाएगा। आप ईजी क्लीनर सी क्लीनर लगा के इसमें टेम्प क्लियर करते रहेंगे, साथ साथ करते रहेंगे, तो इसमें परफॉर्मेंस कभी डाउन नहीं होगी। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एंटीवायरस भी लेके परचेज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पुराने सिस्टम है थोड़ा सा अनसिक्योर रहते हैं, लेकिन एंटीवायरस डालेंगे क्विक क्विक हील वगैरह टोटल सिक्योरिटी डाल के आप यूज़ करेंगे तो वो बेटर रहेगा। और बाकी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, बढ़िया सिस्टम है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं एक दो सिस्टम मेरे पास पड़े हुए हैं लो कॉन्फ़िगरेशन वाले 1 GHz तक का, मैं उस पर इंस्टॉल करके डेफिनेटली इसको देखूंगा एक बारी कि कैसे किस तरह से चलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कमेंट और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।